हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग मेड इजी। दोस्तों, आज हम एक इन्वेस्टिंग का एक नया ऑप्शन जो मार्केट में अवेलेबल है, जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और सेफ ऑप्शन है। जनरली दोस्तों, जिनको शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता, वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली करते हैं ब्रोकर किसी एजेंट के थ्रू, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टिंग का तरीका मार्केट में अवेलेबल है जो ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और ये अगर तरीका लोगों को, अगर अच्छी तरह से लोगों ने इसको, इस ऑप्शन को अगर समझ लिया, तो म्यूचुअल फंड में मेरे हिसाब से ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और मैं जो अभी ऑप्शन बताने वाला हूँ उसमें ही ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, और एजेंट और उनके कमीशन से हम बच सकते हैं, और हमको रिटर्न्स भी म्यूचुअल फंड से अच्छे मिलेंगे, और हमारे इन्वेस्टमेंट भी बहुत सेफ तरीके से रहेगी मार्केट में। तो वो ऑप्शन मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो मैंने ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है, इसमें हम इधर टाइप करेंगे निफ्टी बीज। निफ्टी बीज टाइप करेंगे, एनएससी इधर ऐड कर देंगे इसको। तो ये निफ्टी बीज जो है दोस्तों, ये निप्पॉन का फंड है। ये निप्पॉन जैसे एक म्यूचुअल फंड का एक तरीका होता है, ऐसा ही ये ऑप्शन है। ये अपना निफ्टी 50 का जो चार्ट है उससे काफी तरह के तरह सिमिलर इसका चार्ट रहता है, और जब अपना निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो ये निफ्टी 20 जो है इसको कोई भी एक्सपायरी नहीं रहती। जैसे हमने कोई फ्यूचर या ऑप्शन खरीद लिया तो उसको एक्सपायरी रहती है, मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी रहती है, लेकिन ये निफ्टी बीज हम खरीद के 5 साल 10 साल होल्ड करके हमको जितना जब मर्जी हम इसको कभी भी इसको सेल आउट कर सकते हैं, और इसकी लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब जब हमको सेल करना है तो वो टाइम पे इमीडिएटली सेल आउट हो जाता है। तो ये निफ्टी 20 का चार्ट है दोस्तों। ये 2020 का जो मार्केट का फॉल था, ये मार्केट का फॉल होने के बाद ये इसका लो इसने 81 रुपीज का लगाया है, और अगर उस टाइम पे हम निफ्टी 20 खरीद लेते तो बहुत ही सेफ ऑप्शन रहता था ये, कि इधर से निफ्टी इतना अच्छा ग्रोथ कर दिया है निफ्टी ने, तो 80 रुपीज का 220 रुपीज हो गया था इसका। और अभी भी निफ्टी 50 में जो अपने शेयर थे वो बहुत अच्छे शेयर थे, और ये मेरे हिसाब से दोस्तों और 10 साल के बाद ये जो अभी 196 इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, ये कम से कम 500 रुपए के ऊपर होना चाहिए दोस्तों। तो 5 या 10 साल में इसका आराम से हमको डबल या ट्रिपल रेट मिल सकता है दोस्तों, और ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है। बाकी हमने अगर सोच लो कि एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे ऐसे बैंक कर दिया, MRF कर दिया, या निफ्टी 50 का कोई भी एक स्टॉक हमने उठा लिया और उसके शेयर बाय कर लिए, तो वो बहुत रिस्की है दोस्तों। क्योंकि अभी जो अडानी की के जो स्टॉक के साथ हुआ है, बहुत बड़ा फॉल आ गया उसमें, तो वैसा हो सकता है, और वो बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है हमने एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो। लेकिन ये निफ्टी बीज जो है, ये निफ्टी बीज अपना जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे ये भी ऊपर जाएगा दोस्तों। तो निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो बहुत ही सिमिलर है ये निफ्टी 20 के चार्ट से, और ये 101% दोस्तों 5 साल में ये डबल होने वाला है,
ऐसा मेरा एक अनुमान है। और अभी ग्रोथ हो रही है, जैसा कोरोना का पीरियड से मार्केट बाहर आया है वैसा कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। और ये 82 रुपीज का अभी 220 का इसने हाई लगाया है और अभी 196 प्राइस पे ये स्टेबल है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड या कोई भी अपने फंड रहते हैं उससे कई गुना ये ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि इधर हमको कोई भी ये नहीं देना है, एजेंट का फीस नहीं देना है और हम जब मर्जी, इसका लॉकिंग पीरियड कोई भी नहीं है कि हम इसमें निफ्टी बेस में, कई लोग तो ऐसे है कि निफ्टी बेस में भी वो इंट्राडे करते हैं जिनको फ्यूचर और ऑप्शन में ज्यादा जानकारी नहीं है या ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग निफ्टी बीज में भी करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और ये बहुत ही कंपैरेटिवली सेफ ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि इधर एक्सपायरी नहीं है और जो ऑप्शन में पैरामीटर्स रहते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, बीगा, वेगा, तो ऐसा कोई भी पैरामीटर इसको डिस्टर्ब नहीं करता दोस्तों। और लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, अगर हमने एक दिन में 1 लाख निफ्टी बीज भी उठा लिए तो भी आराम से विद इन फ्यू सेकंड्स वो हम उसको बेच सकते हैं दोस्तों। इतनी अच्छी लिक्विडिटी रहती है और इसका फायदा बहुत से लोग उठा रहे हैं। और इसके बारे में ज्यादा वीडियोस नहीं बने हैं और ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन मैं ये निफ्टी बीज में, इनको ज्यादा मार्केट का नॉलेज नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करने का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में दोस्तों, ये मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। और फ्यूचर और ऑप्शन में पैसा बनता है दोस्तों, लेकिन उसको हमको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट सीखना पड़ेगा और वो कंपैरेटिवली हायर रिस्क उसमें रहता है दोस्तों। लेकिन ये जो है वो बहुत सेफ तरीका है। हमने निफ्टी बीज एक बार खरीद लिया, सोचो 1 लाख रुपए का खरीद लिया, तो आराम से हम उसको 6 महीने, साल साल भर के बाद भी देख सकते हैं, क्योंकि उसको कोई एक्सपायरी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें कैरेक्टरिस्टिक है इसका, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में समझे और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई करें दोस्तों। म्यूचुअल फंड में बहुत जो 10 या 20% हमको मिलता है, इधर बहुत ज्यादा मिल सकता है हमको, और ये कंपैरेटिवली बहुत ही सेफ ऑप्शन है दोस्तों। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो ऐसे और अच्छे अच्छे इन्वेस्टिंग के तरीके मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों। और इन्वेस्टिंग के बारे में आपको एजुकेट करता रहूंगा दोस्तों। गुड बाय दोस्तों।